नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। अयोध्या के पवित्र सरयू तट के किनारे स्थित राम की पैड़ी परिसर 3 नवंबर को एक भव्य आयोजन का गवाह बनेगा। योगी सरकार 5वें वर्ष इस आयोजन को और भव्यता देने का प्रयास कर रही है। इस बार राम की पैड़ी के तट पर 7,50,000 दीपक जलाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है, जबकि जिले भर में 12,00,000 दीये जलाए जाएंगे और शहर यानी अयोध्या 9,00,000 दीयों से जगमग होगी। बिहार के बड़े दल राजद से गठबंधन खत्म करने के बाद देश का बड़ा दल कांग्रेस संकट में पड़ गया है। तारापुर और कुशेश्वरस्थान की विधानसभा सीटों पर बड़ी हार के बाद पार्टी के सामने खुद को एकजुट रखने और बिहार में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की चुनौती बढ़ गई है। इस बीच बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि जल्द ही कांग्रेस में बड़ी भगदड़ मचने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न राज्यों के 40 से अधिक जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और अन्य राज्यों के जिलाधिकारी इस बैठक का हिस्सा बने। इस दौरान पीएम मोदी ने इन जिलों के विकास की रणनीति पर चर्चा की। विदेश यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर 12 बजे कम कोविड टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के जिलाधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक की। विधानसभा उपचुनाव की दोनों सीटों पर कांग्रेस चिराग पासवान की हार तय थी, लेकिन ये इतनी बुरी होगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। कांग्रेस को कम से कम कुशेश्वरस्थान में तो ये उम्मीद कतई नहीं थी। पूर्ववर्ती सिंधिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस के डॉक्टर अशोक राम की 3 बार जीत हुई थी। नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,43,08,140 पर पहुंच गई है। मिली जानकारी के अनुसार भारत में एक दिन में कोविड 19 के 11,903 मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,51,209 पर हो गई है, जो 252 दिनों में सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार की सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संक्रमण के 311 और लोगों की जान जाने के बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,59,191 पर पहुंच गई है। बिहार में युवा लड़कों से ज्यादा लड़कियां तंबाकू का सेवन कर रही हैं। 13 से 15 आयु वर्ग के लड़के 6.6%, जबकि लड़कियां 8% किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रही है। बिहार में 7.3% छात्र छात्राएं किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं, हालांकि राष्ट्रीय औसत 8.5% है। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के तहत बिहार से संबंधित रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जारी की है। दिवाली के पर्व पर केदारनाथ मंदिर को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया है। ऐसे में बाबा केदार का सुसज्जित रूप बड़ा ही मनमोहक लग रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 नवंबर को केदारनाथ दौरे को लेकर भी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। दिवाली पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए धाम में पहुंच रहे हैं। दरभंगा एयरपोर्ट से विमानों के आवागमन को लेकर नया स्केड्यूल जारी किया गया है। नए टाइम टेबल के अनुसार अब पहला विमान सुबह 11:15 मुंबई के लिए रवाना हुआ, जबकि इससे पहले सुबह 11:30 अहमदाबाद के लिए पहला विमान उड़ान भर चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम, इटली, वेटिकन सिटी और ग्लासगो की अपनी यात्रा के समापन के बाद स्वदेश वापस लौट आए हैं। मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में इतर कई द्विपक्षीय बैठकें भी की। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत पहली बार 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। ये 8वां G20 शिखर सम्मेलन था जिसमें मोदी ने भाग लिया हो। अब जांच के दायरे में बिहार विद्यापीठ की 32 एकड़ जमीन को बेचे जाने और जालसाजी कर उसका दाखिल खारिज कराने का मामला सामने आया है। बिहार विधान परिषद की कमेटी इसकी जांच करने वाली है। बिहार विधान परिषद की 5 सदस्यीय कमेटी गठित हो गई है। परिषद के सचिव विनोद कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विधान परिषद सदस्य सर्वेश कुमार की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। बिहार विद्यापीठ की जमीन बेचे जाने का मामला सामने आया था। तेलंगाना में हुजूराबाद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार ई राजेंद्र ने जीत दर्ज की है। ई राजेंद्र ने तेलंगाना राष्ट्र समिति के गेलू श्रीनिवास यादव को शिकस्त दी है। देश भर के 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना हुई। हुजूराबाद विधानसभा सीट पर ई राजेंद्र को 1,07,022 मत मिले हैं, जबकि 83,167 मत हासिल हुए हैं। इस सीट पर 30 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। कोविड 19 महामारी के बीच केरल के पथाना मथिट्टा जिला स्थित सबरीमाला मंदिर बुधवार को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। खास चिथिरा अट्टा विश्व पूजा के लिए ही यह मंदिर आज रात 9 बजे तक खुली रहेगी। त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने बताया है कि पूजा के बाद रात 9 बजे मंदिर बंद हो जाएगा और श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
चीन और अमेरिका के बीच शीत युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। दोनों देश एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर चीन की आलोचना करते देखे गए हैं। जो बाइडेन ने G20 और COP26 रूस और चीन के शामिल न होने पर कहा है कि मुझे लगता है कि ये एक बड़ी गलती है। दुनिया चीन की तरफ देखेगी और कहेगी कि उन्होंने क्या मूल्य वर्धित किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 10% या उससे अधिक रहेगी, जबकि अगले वित्त वर्ष 2022-23 में इसके 8% से अधिक रहने का अनुमान है। एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम के मौके पर कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल के दौरान कंपनियों के फलने फूलने के लिए मजबूत आर्थिक नींव रखी गई है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री रविरंजन चट्टोपाध्याय का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को यहां के एक अस्पताल में निधन हो गया। वो 82 वर्ष के थे। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। वर्धमान दक्षिण से 2 बार विधायक रहे चट्टोपाध्याय मधुमेह और वृद्धावस्था की बीमारियों से पीड़ित थे। वो 2011 में तृणमूल कांग्रेस सरकार में राज्य के तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री भी रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कश्मीर घाटी में 5,000 और अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का फैसला किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया है कि अकेले श्रीनगर में 3,000 जवानों को तैनात किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की स्थिति में सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। घाटी में बढ़ती आतंकी वारदातों के मद्देनजर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 13 नवंबर को नई दिल्ली में दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, रवि कुमार कुश्ती, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी और श्री जेश PR हॉकी सहित 12 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं की सूची में शामिल किया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने से संबंधित विवाद अब खत्म होता नजर आ रहा है। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने मंगलवार को शहर के 8 स्थानों पर नमाज अदा करने की अनुमति को रद्द कर दिया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि शहर के अन्य स्थान जहां खुले में नमाज पढ़ने से आसपास के लोगों को आपत्ति होगी, वहां भी अनुमति नहीं दी जाएगी। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी दिवाली के मौके पर धमाका करने के लिए तैयार है। अक्षय कुमार कैटरीना कैफ स्टारर इस फिल्म का इंतजार काफी समय से किया जा रहा था और अब फाइनली फिल्म रिलीज होने वाली है। हालांकि जो नई खबर सामने आई है वो ये है कि फिल्म को ग्लोबली 5200 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से आपको जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है। 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को जल्द ही उनके PF खातों में 8.5% ब्याज मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 2020-21 के लिए प्रोविडेंट फंड पर 8.5% ब्याज दर को मंजूरी दी थी। ऐसे में PF खाता धारकों के अकाउंट में अच्छी खासी रकम जुड़ जाएगी। दिल्ली में अब तक स्वाइन फ्लू के कुल 88 मामले सामने आ चुके हैं। ये जानकारी NCDC की वेबसाइट पर दी गई है। राजधानी में 31 जुलाई तक स्वाइन फ्लू के सिर्फ 2 मरीज मिले थे, लेकिन अगस्त से 30 सितंबर तक ये संख्या बढ़कर 80 से अधिक हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ते ही हैं। पूर्वी निगम के 31 सफाई कर्मचारियों के आंगन में छोटी दिवाली बड़ी खुशियां लेकर आएगी। करीब वर्षों से अस्थायी तौर पर कार्य कर रहे इन कर्मचारियों को छोटी दिवाली पर स्थायी कर्मचारी होने की नियमितीकरण नियुक्ति पत्र मिलने जा रही है। पहले चरण में स्थायी होने जा रहे इन सफाई कर्मचारियों की सूची मंगलवार को स्थायी समिति के चेयरमैन VS पवार ने जारी की है। दिवाली पर शेयर बाजार बंद रहेंगे, लेकिन 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि संवत 2078 की शुरुआत हो रही है और नए साल की शुरुआत पर कोई भी नया काम करना या फिर निवेश शुभ माना जाता है। हिंदू मान्यता के मुताबिक इस दिन शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग पर निवेश शुभ होता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना को लेकर मोदी सरकार की नीति पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने एक लेख के जरिए COVID-19 से निपटने के लिए मोदी सरकार की पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि अगर PM मोदी के जन्मदिन पर 1 करोड़ टीका लग सकता है तो फिर रोज क्यों नहीं लग सकता। एक अखबार में छपे लेख में सोनिया गांधी ने कहा है कि पहली लहर के बाद दूसरी लहर के लिए सरकार की तैयारी नहीं थी। देशभर में इन दिनों त्योहार का सीजन चल रहा है। ऐसे में सरकारी दफ्तर में छुट्टियां होंगी, बैंक में भी छुट्टियां शुरू हो रही हैं। देश के अलग अलग इलाकों में बुधवार से छुट्टियां शुरू हो रही हैं, जो रविवार तक चलेंगी। अगले 5 दिन नरक चतुर्दशी, दिवाली, काली पूजा, गोवर्धन पूजा और भाई दूज आदि त्योहार पड़ेंगे। इसको लेकर देश के अलग अलग इलाकों में छुट्टियां होने वाली हैं। पिछले 2 सालों में बेहद मंदी की मार झेल रहे सराफा व्यापारियों के चेहरे पर दिवाली त्योहार रौनक लेकर लौटा है। धनतेरस के दिन राजधानी दिल्ली सहित देश भर के सराफा व्यापारियों ने सोने चांदी के गहनों और अन्य सामान का बेहद अच्छा व्यापार किया। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और कैट के ज्वेलरी विंग, ऑल इंडिया ज्वेलर्स और गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने एक संयुक्त वक्तव्य में बताया कि धनतेरस पर देश भर में लगभग 15 टन सोने के आभूषणों की बिक्री हुई, जो लगभग 7.5 हजार करोड़ रुपए है।
विशेष अवकाशकालीन अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 6 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। विशेष न्यायाधीश पीबी जादव ने ईडी के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह की 14 दिनों की हिरासत की मांग को खारिज कर दिया, जिसका बचाव पक्ष के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी और अधिवक्ता अनिकेत निकम ने कड़ा विरोध किया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने कहा है कि उसने पूर्वी लीबिया में बाढ़ से विस्थापित हुए 150 से ज्यादा परिवारों को सहायता प्रदान की है। इसकी जानकारी सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने दी है। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि पूर्वी लीबिया में सप्ताहांत में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ से 150 से अधिक परिवार अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने गुरुवार को 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे पर अपनी पार्टी की छवि खराब करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक विनोद रॉय पर निशाना साधा है। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विनोद रॉय ने संजय निरुपम को जो हलफनामा दिया है, उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे के दौरान जो कहा है वो असत्य था। ये साबित करता है कि रॉय ने सभी नैतिकता, ईमानदारी और शालीनता को हवा में फेंक दिया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है ओमकार सिंह, विपिन कुमार, धर्मेंद्र कुमार, साक्षी कुशवाहा, राहुल कुमार, राजेश थोंथियाल, अनुज कुमार, अजय कुमार पासवान, मंतोष कुमार, जितेंद्र कुमार, कृष्णा दुबे। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार दिवाली के मौके पर पटाखों पर पूरे देश में रोक लगा देनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।